हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं बच्चों आज का नया लेक्चर। टॉपिक का नाम है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का वर्णविक्षेपण क्या होता है, तो उसी से रिलेटिव है एक टॉपिक और, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक, तो समझते बच्चों, जब सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है, सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है, वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण, वायु के कण, इन सब से टकराता है, तो टकराने के बाद जो परावर्तित किरणें होती हैं, वह परावर्तित किरणें चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, और इसी घटना का नाम दिया गया प्रकाश का प्रकीर्णन। बात समझ में आई? जब परिभाषा लिखते हैं, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश खुरदरे पृष्ठ जैसे वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण कामा वायु के कण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरणें चारों दिशाओं में या चारों तरफ बिखर जाती हैं। बिखर जाती हैं मतलब या फैल जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्लियर बच्चों? तो प्रकाश का प्रकीर्णन यही है कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश जो है वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण, वायु के कण इत्यादि, मतलब अपद्रव्य पदार्थों से टकराती हैं, तो टकराने के बाद जो परावर्तित किरण है वह चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, और इसी घटना को नाम दिया गया प्रकाश का प्रकीर्णन। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रकाश का, सबको समझ में आया? अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पर प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं, प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं, नंबर एक, बादल का सफ़ेद दिखाई देना, क्लियर। दूसरा पॉइंट, आकाश का नीला दिखाई देना,
आकाश का नीला दिखाई देना। प्यारे बच्चों, जब हम पृथ्वी से देखेंगे, यहाँ लिख देते हैं पूरा पॉइंट, पृथ्वी से आकाश का नीला दिखाई देना। तीसरा पॉइंट, वायुमंडल से आकाश का काला दिखाई देना। क्लियर। चौथा पॉइंट, समुद्र के जल का नीला दिखाई देना। पांचवा पॉइंट, सूर्योदय के पहले सूर्य का लाल दिखाई देना। सूर्य का लाल दिखाई देना। छठा पॉइंट, सूर्यास्त के बाद सूर्य का लाल दिखाई देना। तो प्यारे बच्चे, दैनिक जीवन में ऐसी घटना है जिसको आप लोग डेली देख रहे हैं। ऐसा पृथ्वी से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। वायुमंडल में चले जाओ तो वहाँ से आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला। क्वेश्चन पूछा गया था अब की बार यूपी बोर्ड परीक्षा में। समुद्र के जल का नीला दिखाई देना, सूर्योदय के पहले सूर्य का लाल दिखाई देना, सूर्यास्त के बाद सूर्य का लाल दिखाई देना। तो ये था प्यारे बच्चों प्रकाश का प्रकीर्णन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो प्यारे बच्चों, तो आज का जो टॉपिक था हमारा, प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कल।